नमस्कार दर्शकों, मैं हूं करण पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। अनुचित नहीं है और आप तुरंत विभाग से कर सकते हैं। जो डेप्यूटेशन के कर्मचारी उनका तुरंत डेप्यूटेशन अंदर है, वो कैसे ले रखा है ये बताने की, क्योंकि जियो तो ये है कि डेप्यूटेशन सारे खत्म हो चुके हैं और वो अपनी अप्रोच या जो भी तरीके से लगे हुए हैं हमेशा नहीं है। ये बात आप सी एम एस से भी कर सकते हैं। नहीं सर, आप मीटिंग में जा रहा है, ठीक है, कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब ने कहा 11 तारीख को उनका जो भी डॉक्टर साहब वो सब लोग वापस ज्वाइन कर लेंगे। मूल मांग यही है सर, सर हमें यहाँ को एक समस्या है कि हमारे डॉक्टर साहब यहाँ के हैं, आज क्या समस्या पहली कौन की है, रह रहा कौन ही डेली जा रहे साहब पे आवे नहीं, अभी नहीं अब छुटाने के लिए मुख्य बात बताऊँ, पाँच दिन आवे फिर 10 दिन आवे कौन ही समस्या है कि माना है प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर है, ए एन एम है, जी एन एम है, जो भी है, 24 सीटों साथ रहो चेताचे अगर रेफर करो जाते मिल गए बड़ी मांग बन गया, मुख्य मांग है हाथी लिखित में दे दो बंदा उधर आया होगी, कोई सिंगल आदमी आगे बता देते बिल्कुल सुनोगे। एक बार वो जो नर्स थी उसका डेप्यूटेशन कैंसिल कर पूरी बात तो सुनो, बहुत दूरों काम है पुटा रही बात डॉक्टर्स की उनकी रहने की, उनको हम पाबंद करेंगे। वाटर तो बहुत सी जगह अक्षरा का भी कोई है, जब वाटर नहीं हुए वो रूम लेके रह जाओ, सरकार उन्हें हाउस रेंट दे, वो तो बराबर बात है, दूसरा मकान लेके रहो, मकान की तार गाँव में कमी कोई कमी नहीं, कोशिश नहीं किया तो उसी में रहेगा, अगर किया है तो एचआर मिलेगा। डॉक्टर साहब कई बार क्या होता है किसी को, जैसे मान लो बी डी ओ साहब ने या तार शाम में या मन या रूबरू करावा तो मन थोड़ा उचित या अच्छो नहीं लगे या मन थोड़ी जमानत महसूस हुआ तो काम सब आज बंद निदेशालय को लिखा है आदर्श आचार संहिता लगने से वो लेटर जाके वापस आएगा और 11 तारीख का